हाय वेलकम टू कोड फिंटू, वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जॉब प्रोजेक्ट सीरीज। यहाँ पर अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट को चला के दिखाऊं तो हम यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे काम कर चुके हैं, व्यू डिटेल्स वाले पे काम कर चुके हैं, अप्लाई लीव पे काम कर चुके हैं, लीव डिटेल्स पे काम कर चुके हैं, अपडेट डिटेल्स पे काम कर चुके हैं। दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इन पे हम काम कर चुके हैं, यूटिलिटी और एग्जिट पे। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे रहते हैं, एक तो एग्जामिनेशन वाला रहता है और एक यहाँ पे रहता है फी डिटेल वाला। एग्जामिनेशन में हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस बनेंगी, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के नाम से, एक एंटर मार्क्स के नाम से। फी डिटेल्स में भी यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक फी स्ट्रक्चर के नाम से और स्टूडेंट फी फॉर्म के नाम से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एग्जामिनेशन में एंटर मार्क्स वाला। अगर सपोज सपोज यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है और मार्क्स आए हैं, ठीक है, उन मार्क्स को आपको अगर पोर्टल पे अपलोड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ठीक है, तो हम ये देखेंगे कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे काम करना है, यहाँ पर आपको एक नई क्लास बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो क्लास में बना रहा हूँ सपोज यहाँ पे एंटर मार्क्स के नाम से, एंटर मार्क्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। वही सेम ड्रिल है जो हम अब तक हर क्लास में करते आए हैं। आपको यहाँ पे सभी कमेंट्स हटाने हैं, कमेंट्स हटाने के बाद आपको यहाँ पे एक मेन मेथड बनाना है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सपोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आपकी क्लास है उसका यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बनाया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है आपको यहाँ पे जे फ्रेम को। जे फ्रेम कहाँ से आता है आपका? जे फ्रेम आता है आपका स्विंग पैकेज के अंदर। तो आपको यहाँ पे स्विंग पैकेज को भी यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बाद अब हमें यहाँ पे फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट साइज। सेट साइज फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ है आप यहाँ पे वो बता सकते हो। तो 1000 और 1000 मैंने यहाँ पे लेंथ ली, ब्रेथ ली मैंने यहाँ पे 500। और सेट लोकेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, लोकेशन क्या चाहिए आपको? सपोज लेफ्ट से 300, ऊपर से 150। और आपको फिर यहाँ पे करना पड़ेगा सेट विजिबल टू, ताकि आपको जो फ्रेम है वो दिखना शुरू हो जाए। कुछ चीजें मेरे को यहाँ पे और करनी है, जैसे सेट लेआउट को मेरे को यहाँ पे नल करना है ताकि मैं यहाँ पे अपना लेआउट बना सकूँ। एक और चीज है कि मेरे को यहाँ पे फ्रेम के कलर को यहाँ पे व्हाइट करना है। तो गेट कंटेंट पेंट डॉट सेट बैकग्राउंड से हम वो कर सकते हैं। आई होप अब तक आपको ये वाले सारे से सिंटेक्स रट गए होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम ही है। अब तक मैंने जितनी भी क्लासेस यहाँ पे बनाई है सब में सेम ही यूज हुआ है और आगे भी सब में सेम ही यूज होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इतना करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, बट अभी नहीं चल रहा बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट करना है यहाँ पे आपको जावा डॉट ए डब्ल्यू डी डॉट स्टार को, ठीक है, क्योंकि कलर क्लास आपकी यहाँ पे ए डब्ल्यू डी पैकेज के अंदर होती है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखो तो आपको फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। ये फ्रेम मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक इमेज लगानी है। इमेज हम लगा सकते हैं, हमने पीछे इमेजेस लगाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सपोज यहाँ से प्रोजेक्ट में हमने इमेज लगाई थी, यहाँ से मैं एक अब जो इमेज का कोड है वो उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज टाइप करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो इमेज होगी आपकी वो किस नाम से होगी? वो होगी सपोज आपके यहाँ पे एग्जाम डॉट जेपीजी के नाम से। इस नाम से सपोज मैं यहाँ पे ये वाली जो इमेज है ये लगा रहा हूँ। इमेज का जो साइज होगा वो होगा आपके यहाँ पे 400, जो विथ होगी वो होगी यहाँ पे आपकी 300। तो यहाँ पर भी आपको आना है और यहाँ पे अब आपको इसके सेट बाउंस को यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। इमेज आपको दिखानी कहाँ पर? इमेज मेरे को दिखानी है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट से बहुत ज्यादा होगा, लेफ्ट से सपोज 500 और ऊपर से 400। और जो इमेज की विथ लेंथ और विथ मैंने लिए 400 300, वही मैंने यहाँ पे साइज डाला। और चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली आया है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है? अब यहाँ पे मेरे को कुछ चीजें चाहिए तो उनको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को एक हेडिंग चाहिए होगी, स्टूडेंट वाले से कॉपी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा। ये जे डेट चूजर आप यहाँ से हटा सकते हो, इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसका इसका हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे थे। तो आपको यहाँ से जो हेडिंग है उसको कॉपी करना है, जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे आपको कॉपी करना है, चॉइस को आपको यहाँ पे कॉपी करना है, और जो यहाँ पे आपका ये है इसको भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और वापस आते हैं और यहाँ पे लाके आपको इन सबको पेस्ट कर देना है। ये इम्पोर्ट करने को बोल रहे हैं रिजल्ट सेट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट, इसको ओके कर देते हैं ताकि इसको इम्पोर्ट कर दे ऊपर। आप यहाँ पे देखोगे इसने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर दिया। रिजल्ट सेट हटा के आप यहाँ पे डॉट स्टार भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इस तरह का एक फ्रेम बनाना है जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे सामने देखोगे तो यहाँ पे हम रोल नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, कौन से सेमेस्टर के आप यहाँ पे मार्क्स फिल करते हो वो सेमेस्टर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और एक तरफ आपके पास यहाँ पे फिर सब्जेक्ट फिल करने का ऑप्शन है, दूसरी तरफ आप यहाँ आपके पास यहाँ पे उस सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने का ऑप्शन है। और राइट हैंड साइड यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, तो हमने बिल्कुल ऐसा ही करना है। यहाँ पे मैंने इमेज तो यहाँ पे मैंने लगा दी, ठीक है। इमेज लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है वो डालनी है। सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली। कहाँ से दिखाना है? सपोज 50
और सपोज जीरो लिया इसको मैंने और 540 ले लेते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता ठीक है। और इसको सपोज तहुमा लिया और यहाँ पे मैंने लिया सपोज इसको बोल्ड ठीक है। बोल्ड लेने के बाद 35 तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसको 20 ले लेते हैं ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिलेक्ट रोल नंबर और ये आपका 0 प्लस 50 50 तक जाएगा, तो इसको 100 देने की कोई जरूरत नहीं, आप इसमें 20 का गैप डाल सकते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पे 70 लिखा ठीक है, और ये 200 तक जा रहा है ठीक है। वैसे 200 भी आप 150 भी ले सकते हो तो भी वर्क कर जाएगा ठीक है। सी रोल नंबर यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है, इसको आपको यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे चॉइस को मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया जो कि यहाँ पे सी रोल नंबर के नाम से। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे क्वेरी चलाई और स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा उठा के आपने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे फिल करा दिया ठीक है। बिल्कुल सही है, एक काम नोट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 200 से और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 70 से, और कहाँ तक जाएगा सपोज 150 तक जाएगा और 20 चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एक मेरे पास एक हेडिंग आएगी, हेडिंग के नीचे यहाँ पे सिलेक्ट रोल नंबर लिखा होगा, लेकिन ये यहाँ से कट गया ठीक है, ये यहाँ से कट गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट रोल नंबर और यहाँ पे आपने सेरिफ लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, सेरिफ आ गया यहाँ पे, बट ये यहाँ पे आपका बोल्ड है। और ठीक है, काम करते हैं इसको हटाए दें यहाँ से, इसकी फॉन्ट फॉन्ट हटाई देते हैं क्योंकि फॉन्ट की वजह से वो भसड़ मचा रहा है। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त है ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और काम करना है, आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। मेरे को यहाँ पे एक और लेबल चाहिए जो कि होगा आपका यहाँ पे सेमेस्टर के नाम से, तो सपोज LBL और यहाँ पे लिया सपोज सेमेस्टर ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिलेक्ट सेमेस्टर, जहाँ से आप सेमेस्टर को सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है। वहां पे मैंने एक वो बनाया था, चॉइस बनाया था, अब यहाँ पे मैं आपको कॉम्बो बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया एक कॉम्बो बॉक्स ठीक है, आप यहाँ पे कॉम्बो बॉक्सेस बना सकते हो, चॉइस बनाना चाहो आप चॉइस भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ही बनाना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे सीबी सेमेस्टर के नाम से मैंने यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स बनाया ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सीबी सेमेस्टर को, क्योंकि नीचे लाके मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, सीबी सेमेस्टर इज इक्वल्स टू न्यू जे कॉम्बो एंड बॉक्स, बिल्कुल सही है ठीक है। सीबी सेमेस्टर डॉट सेट बाउंस आपको यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। सेट बाउंस कहाँ से करना है मेरे को, सबसे पहले तो इसके सेट बाउंस को मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसको सपोज 50 से स्टार्ट करते हैं, इसको ले लेते हैं 110 ठीक है। और ये कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा 200 से, क्योंकि वहीं से मेरी यहाँ पे चॉइस स्टार्ट हो रही है। ऊपर से सपोज 110 एंड 100 सपोज 50 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, और ऐड किया मैंने यहाँ पे सीबी सेमेस्टर को, और बिल्कुल सही है चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बिल्कुल मस्त चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जो ड्रॉप डाउन है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ड्रॉप डाउन को मेरे को व्हाइट करना है, तो आप यहाँ पे सीबी सेमेस्टर डॉट सेट बैकग्राउंड और यहाँ पे आप कलर कर सकते हो कलर डॉट व्हाइट, ताकि जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे व्हाइट हो जाए। मेरे को यहाँ पे एक वैल्यूज इसमें डलवानी पड़ेंगी, तो वैल्यूज मैं आपको बता चुका था पीछे कैसे डलवाते हैं हम। यहाँ पे हम एक 1D एरे बनाते हैं और 1D एरे में हम जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो आपका यहाँ पे इसकी वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज फर्स्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये सेकेंड सेमेस्टर ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये थर्ड सेमेस्टर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सपोज फोर्थ सेमेस्टर ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सपोज ये फिफ्थ सेमेस्टर ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये सिक्स सेमेस्टर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेवन्थ सेमेस्टर। अरे ब्रो ठीक है, टाइप ही करना पड़ेगा वो कुछ और कॉपी हो गया था। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एट्थ सेमेस्टर, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने सेमेस्टर के नाम से 1D एरे बनाया, इसको आपको यहाँ पे इसके अंदर पास कर देना है एंड दैट्स इट। आप अगर चला के देखोगे तो बिल्कुल मस्त चलेगा। आपके पास यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एट्थ सेमेस्टर तक, आपके पास यहाँ पे ये सब भी कुछ आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो लेबल्स बनाने हैं, दोनों लेबल्स हम बना लेते हैं। आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना और आपको यहाँ पे दो बार इसको पेस्ट कर देना है ठीक है। मेरे को यहाँ पे दो हेडिंग चाहिए ठीक है। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी यहाँ पे एंटर सब्जेक्ट के नाम से, जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को एंटर कर सकते हो। उसके नीचे जस्ट मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनानी है, वो हम बना लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है एंटर सब्जेक्ट, एंटर सेमेस्टर नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है एंटर सब्जेक्ट ठीक है। लेबल आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज 100 से मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर से कितना हो जाएगा 150 में मेरे को चाहिए, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं सपोज 200 और 40 ले लेते हैं सपोज इसको ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एंटर सब्जेक्ट नहीं, एंटर मार्क्स यहाँ पे मेरे को करना है। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर मार्क्स ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आपको यहाँ पे मार्क्स को एंटर करना है तो आप यहाँ पे इसकी मदद से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटर मार्क्स बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज इसको थोड़ा सा आगे से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 320 इसको ले लेते हैं, ऊपर से 150 सेम लेवल पे, 200 लिया हुआ है ऊपर मैंने उसको, तो यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40।
तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो दोनों लेबल्स जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आएंगे। आप यहाँ पे देखो एंटर सब्जेक्ट टू एंटर मार्क्स दोनों लेबल्स यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं। मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है, इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है, तो टेक्स्ट फील्ड्स को मेरे को यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू नो कि मैं यहाँ पे इन सबको ऊपर ग्लोबली क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मतलब हर वीडियो मैंने मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे TF सब्जेक्ट वन या कि यहाँ पे पहली टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, सेकेंड टेक्स्ट फील्ड और थर्ड टेक्स्ट फील्ड, फोर्थ टेक्स्ट फील्ड और फिफ्थ टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, पांच सब्जेक्ट्स चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो पांच सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे पांच टेक्स्ट फील्ड्स बना ली। ठीक है, और ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट फील्ड है। सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट फील्ड के बाद आपको यहाँ पे अब मार्क्स की टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है, TF मार्क्स वन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा TF मार्क्स टू थ्री फोर एंड फाइव, परफेक्ट है। और यहाँ पे सपोज फोर आ गया, ये हो गया आपका थ्री एंड ये हो गया आपका यहाँ पे टू। तो ये सभी टेक्स्ट फील्ड्स मेरी यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे आपके पास है TF सब वन, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक नई टेक्स्ट फील्ड बनानी है, TF सब वन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको लिखना है न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। अरे ब्रो चल जा बढ़िया, और TF7 और ये आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, सेट बाउंस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेट बाउंस में हम यहाँ पे कहाँ से दिखाएं इसको, जैसे 100 से मेरा यहाँ पे ये वाला लेबल स्टार्ट हो रहा है, बट मेरे को इसको थोड़ा सा पहले से यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 50 से कर लेते हैं। 150 प्लस 40, 190 तक तो यही जा रहा है, 10 का गैप रखते हैं, तो 200 से इसको मैंने स्टार्ट किया। लेंथ सपोज 200 रख रहा हूँ मैं इसकी, और विड्थ सपोज मैंने यहाँ पे रखी इसकी 20। ठीक है, और TF1 को मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो एक टेक्स्ट फील्ड आनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली, टेक्स्ट फील्ड मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस पूरे को कॉपी कर लेना है, और इस पूरे को आपको यहाँ पे दो तीन चार और पांच बार आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 टेक्स्ट फील्ड है। आपको यहाँ पे डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, लोकली डिक्लेयर्ड होता तो दे देता, क्योंकि वो उसको यहाँ पे ओवरराइड मार रहा है। बट आपको यहाँ पे फिर भी एक काम करना है कि जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं आपको उन सबके नेम्स को चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे 200 है ना उसको आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे 200 है तो 30 30 का मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाला 230, यहाँ पे हो जाएगा 260, यहाँ पे हो जाएगा 290 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 320। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एक के नीचे एक यहाँ पे मेरे पास सभी टेक्स्ट फील्ड्स आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, इसके बाद अब यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मार्क्स के लिए टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, या एक काम करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे को चाहिए TF मार्क्स वन, इसी नाम से ना, हाँ इसी नाम से टेक्स्ट फील्ड है, और यहाँ पे मैंने ये किया, बिल्कुल सही है। आपको अब यहाँ पे इसको चेंज करना है, ये जो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे अब इसको चेंज करना है। कहाँ से चाहिए, सपोज 250 ले रहा हूँ इसको मैं, तो 250 200 मैंने यहाँ पे इसको लिया। एक सेकेंड देख लेते हैं चल रहा है क्या। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे दो तीन चार और पांच, पांच बार आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जो ऑब्जेक्ट्स के नाम है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे आपका टू आ जाएगा, टू के बाद यहाँ पे थर्ड वाली आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद फिर यहाँ पे आपके पास फोर्थ आ जाएगा, एंड फोर्थ के बाद फिर आपके पास यहाँ पे जो आपका लास्ट है यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा। बिल्कुल सही है, और अरे बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ये आपका 200 से है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है 230 60 90 और यहाँ पे आ जाएगा 320, जो हमने सब्जेक्ट के लिए किया था आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम करना है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बिल्कुल मस्त चलेगा, जो सारी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं बिल्कुल परफेक्टली। अब यहाँ पे दो बटन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो बटन्स का जो कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या टाइप नहीं होगा भाई, बहुत टाइप कर रहा हूँ मैं तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया दोनों बटन्स को, और यहाँ पे नीचे लाके आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला बटन होगा आपका यहाँ पे सबमिट के नाम से, तो यहाँ पे सपोज मैंने किया सबमिट। सेकंड बटन होगा आपका यहाँ पे कैंसिल के नाम से, बिल्कुल ठीक है, आप इसको बैक बटन भी ले सकते हो, कैंसिल ले सकते हो, एक ही बात है। सबमिट और कैंसिल को आपको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे दो बटन को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना है, जे बटन मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैंसिल, दूसरा यहाँ पे आपका सबमिट, और बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों बटन को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया ताकि यहाँ पे जो एरर्स हैं वो यहाँ से चले जाएं। ठीक है, सेट बाउंस में मेरे को बस थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको 70 में को यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, उसको ले लेते हैं सपोज यहाँ पे 360, क्योंकि 320 प्लस 40, 320 प्लस 20 340 तक तो यही जा रहा है, 20 का मैंने यहाँ पे गैप रखा, तो 360 आ गए यहाँ पे।
इसको लेते हैं 150, और यहाँ पे सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 25, बिल्कुल ठीक है। अब 70 प्लस 150, 210 तक तो यही चाह रहा है, 70 का मैं बीच में गैप डाल रहा हूँ, तो इसको मैं रख, इसको मैं रखा सपोज यहाँ पे ये, और 360 मेरे को यहाँ पे इसको लेना है, और यहाँ पे इसको मैंने ये लिया और यहाँ पे आ जाएगा ये 25, बिल्कुल सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कहीं पे एरर है, इन इन दो लाइंस में एरर है, अभी के लिए इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। एक्शन लिस्टनर में एरर दे रहा है, ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको करते हैं डिस्कार्ड, एक सेकेंड इसको क्लोज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, और बिल्कुल सही है। और इस वाली लाइन को सपोज मैंने यहाँ पे कमेंट किया, और बिल्कुल ठीक है। चला के अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो दोनों बटन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आए हैं, ठीक है। जो बैक बटन है, सबमिट बटन है, दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे को यहाँ पे इन दोनों पे एक्शन लिस्टर लगाना है, एक्शन लेसन यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इनको अनकमेंट किया मैंने, बट ये अभी यहाँ पे एरर देगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिस्टर को। मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे एक्शन लिस्टर को, एक्शन लिस्टर आप भी आपका एरर देगा क्योंकि ये आपका होता है आपका AWD के इवेंट पैकेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे AWD के इवेंट पैकेज को यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना करना पड़ेगा, भी एरर देगा क्योंकि क्योंकि इसके अंदर एक अनइम्प्लीमेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, आपको उसको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन परफॉर्म, ठीक है, एक्शन परफॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्शन इवेंट और ए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि कौन सा बटन आपका यहाँ पे कॉल हुआ है, तो आपको यहाँ पे गेट सोर्स करके आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आपका सबमिट बटन कॉल हुआ है तो आपको यहाँ पे कुछ और काम करना है, अगर आपका यहाँ पे कैंसिल बटन कॉल हुआ है, बैक बटन कॉल हुआ है, तो आपको यहाँ पे सेट विजिबल को यहाँ पे आपको फॉल्स कर देना है, तो ताकि ये फ्रेम आपका यहाँ पे क्लोज हो जाए। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बैक में क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि ये जो डेटा आप यहाँ पे फिल करोगे उसको आपको सीधा डेटाबेस में डालना है। मैंने यहाँ पे किया एक्सेप्शन ई लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को MySQL को खोलना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को MySQL टेबल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे MySQL वर्कबेंच को खोला, उसको खुलने देते हैं। इतना मैं यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग की मैंने यहाँ पे, क्योंकि MySQL एक एक्सटर्नल एंटिटी है जो एक्सेप्शन सपोज इनके साथ ही है, तो मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट भी करवा लिया पूरा। आपको यहाँ पे कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कौन क्लास का सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और न्यू कौन करके, ताकि आपका जो MySQL के साथ कनेक्शन है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे MySQL वर्कबेंच को खोलना है, लोकल इंस्टांस जो है आपका यहाँ पे, वो आपको उसको खोल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कैन नॉट रीड कंटेंट ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है भाई मत कर रीड आपको यहाँ पे एक कमांड चलानी है, शो डेटाबेस। डेटाबेस कौन सा था मैं तो भूल भी गया, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से था शायद, हाँ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से था। आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी फील्ड अनकोटेड, और यहाँ पे आपको यूज करना है, पेस्ट कर देना है इसको, ताकि इस डेटाबेस को आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, जब भी आप MySQL दोबारा खोलोगे बंद करके, तो हमेशा आपको ये वाली कमांड चलानी है कि आप यहाँ पे इस वाले डेटाबेस को यूज कर रहे हो, ठीक है, वरना काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर चुके हैं, अब आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज क्रिएट टेबल, दो टेबल्स आपको यहाँ पे बनानी पड़ेंगे। सबसे पहले वो होगी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम से, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। और रोल नंबर सपोज वेर क्या, मैंने यहाँ पे सपोज डाला 20, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे सेमेस्टर, सेमेस्टर में सपोज मैंने यहाँ पे वेर क्या डाला 20, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन और वेर क्या, सब्जेक्ट के नाम काफी बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं जिस कॉलेज में था वहां तो भाई हद बड़े बड़े सब्जेक्ट के नाम थे, ठीक है शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई थी हर हर एक सब्जेक्ट की तो यहाँ पे इसका मैंने मतलब सब्जेक्ट के नाम बड़े हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो इसका साइज लिया है वो मैंने 50 कैरेक्टर्स का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज सब्जेक्ट वन आ गया आपके पास, सब्जेक्ट वन के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट टू, ठीक है। सब्जेक्ट टू के बाद यहाँ पे सपोज मैंने लिया है सब्जेक्ट थ्री, और सब सब्जेक्ट थ्री के बाद यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे पेस्ट करके इसको किया यहाँ पे सब्जेक्ट फोर, और ये आपका यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट है जो कि है यहाँ पे सब्जेक्ट फाइव, ठीक है। और यहाँ से सपोज इसको मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया, बिल्कुल सही है, रन करते हैं। तो जो कमांड है आपकी वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे नीचे लाके इसको पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और नई टेबल बनानी है, जो कि होगी आपके यहाँ पे मार्क्स के नाम से। रोल नंबर सेमेस्टर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्क्स वन लिखना है, और मार्क्स वन के बाद यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कर देना है मार्क्स टू, ठीक है, मार्क्स थ्री, और यहाँ पे आपको कर देना है मार्क्स फोर, और लास्ट वाला जो है वहाँ पे आपको कर देना है मार्क्स एंड फाइव, बिल्कुल सही है।
इसको यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज इसको रन किया, और रन करने के बाद आप अगर देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे जो दोनों टेबल्स हैं वो आपके बन के बिल्कुल रेडी हैं। आपको यहाँ पे वापस आना है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पे अब दो MySQL क्वेरीज बनानी है। एक होगी यहाँ पे आपकी क्वेरी वन के नाम से, मैंने यहाँ पे लिखा MySQL क्वेरी वन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट इन टू टेबल नेम, टेबल नेम है मेरी यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम से वैल्यूज। जो सबसे पहले यहाँ पे फील्ड है आपकी वो है यहाँ पे रोल नंबर के नाम से, तो आपको यहाँ पे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सी रोल नंबर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। बिल्कुल सही है, तो मैंने यहाँ पे ये किया, गेट सिलेक्टेड आइटम किया ताकि ये यहाँ से रोल नंबर को उठा ले। दूसरी चीज अब यहाँ पे मेरे को उठाना है आपका वो क्या बोलते हैं सेमेस्टर, तो आपको यहाँ पे लिखना है सीबी एंड सेमेस्टर, अरे सीबी सेमेस्टर डॉट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गेट सिलेक्टेड आइटम, सीबी सेमेस्टर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ये आपने यहाँ पे उठा लिया कॉम्बो बॉक्स में से, बट ऐसे नहीं उठाना, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, एंड बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ यहाँ पर ये अंदर आएगा और ये बाहर आएगा, बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके वो देखने हैं मेरे को यार कि जो TF sub 1 के नाम से था, करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे आना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो वैल्यूज है उसको उसको इंसर्ट करवा रहा हूँ। आप अलग निकाल के भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, या वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। TF1 डॉट गेट टेक्स आपको यहाँ पे करना है, और आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट टेक्स फील्ड में से कॉपी करना है, सेकेंड टेक्स फील्ड, थर्ड टेक्स फील्ड, फोर्थ टेक्स फील्ड और फिफ्थ टेक्स फील्ड। आपको यहाँ पे TF sub 1 की जगह आपको यहाँ पे लिखना है 5, यहाँ पे लिखना है आपको 4 एंड 3 एंड 2, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक काम करना है, इसको यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी, कॉपी करके यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आ गया आपके, आ जाएगी यहाँ पे क्वेरी 2, इंसर्ट इन टू, यहाँ पे आप जाएगा आप टेबल नेम मार्क्स, ठीक है, रोल नंबर एज इट इज, सेमेस्टर नेम एज इट इज, TF मार्क्स 1, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाएगा TF मार्क्स 2, TF मार्क्स 3, आगे चलते हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा TF मार्क्स 4 एंड TF मार्क्स 5, करेक्ट। तो दोनों इंसर्ट क्वेरीज मेरी यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी है, जो यहाँ पे डेटा उठा लेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है, बिना एग्जीक्यूट करे आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है सी डॉट एस डॉट, सी डॉट एस डॉट, और यहाँ पे एक फंक्शन होगा अपने पास एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट ये वाला एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले तो क्वेरी वन को आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको लिखना है क्वेरी टू को, यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप दिखा देते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन पे इन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट इसका नल, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें सपोज लिख देते हैं मार्क्स इंसर्टेड और सक्सेसफुली, मार्क्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सेट विजिबल और फॉल्स, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। तो इतने से होना चाहिए, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर मेरे को अब तक तो दिख नहीं रही, ठीक है, परफेक्ट है। तो चला के देखते हैं, तो यहाँ पे सपोज इसको खोला मैंने, यहाँ पे आपके पास सभी रोल नंबर आ चुके हैं। सपोज 702 वाले बंदे का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का, और यहाँ पे सपोज पहला सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें सपोज मार्क्स हैं आपके 85। सेकेंड सब्जेक्ट है सपोज FCPIT फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें सपोज मार्क्स हैं आपके 91। थर्ड सब्जेक्ट है सपोज BEEE बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और यहाँ पे सपोज आपके हैं यहाँ पे 90। BEEE के बाद सपोज यहाँ पे है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सपोज 78 है। उसके बाद है सपोज आपके पास यहाँ पे DS डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में सपोज आपके 80। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो आना चाहिए मार्क्स इंसर्टेड सक्सेसफुली वाला पॉपअप आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई एरर आएगा, देख लेते हैं क्या आता है। सबमिट पे क्लिक किया, मार्क्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, मार्क्स आपके सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यहाँ पे मार्क्स सक्सेसफुली आने चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं आ रहे हैं क्या। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट टेबल में जो भी डेटा है मैं यहाँ पे वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मार्क्स जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, और जो बंदे के मार्क्स हैं वो देख लेते हैं, वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट होने चाहिए। तो आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे या सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हम कैसे अपने ये वाला फ्रेम बना सकते हैं। अभी आपको एक काम और करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट
और प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे जो एक्शन लिस्नर है उसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको ऊपर जाना है, ये एंटर मार्क्स, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सपोज आपको लिखना है एंटर एंड मार्क्स, ठीक है। जो आपको आपकी जो टेबल का नाम है वो है यहाँ पे एंटर मार्क्स, ठीक है, और बिल्कुल सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपके आपके जो भी यहाँ पे मार्क्स हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुली आने चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे कहाँ से आएंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन से मैंने यहाँ पे लिखा एंटर मार्क्स और यहाँ पे आपके पास ये वाला फ्रेम बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे खुल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सही चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखी अपनी एंटर मार्क्स क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जहाँ पर हम मार्क्स को वो कराएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, तो हम वाला फ्रेम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।